आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क जिन्होंने 1990 में एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था और उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है, तो आफ्टर 34 ईयर एक क्लैरिकल की अगर कोई प्रमोशन नहीं लेता है तो कितनी सैलरी अभी निकल के आ रही है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी बच्चे आरआरबी आईबीपीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं 2024 की बैंकिंग एग्जाम की, उनके लिए गाइडली जो है वो मॉक रिक्रूटमेंट ड्राइव लेके आया है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15th में है और इसकी सबसे खास बात ये है कि जैसे आपका आईबीपीएस का एग्जाम होता है, जैसे प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, वैसे ये पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है कंडक्ट करी जाएगी। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। अब अपन देखते हैं कि आफ्टर 34 ईयर कितनी सैलरी बनती है एक एसबीआई क्लर्क की जिन्होंने 1990 के अंदर बैंक ज्वाइन किया था। सबसे पहले इनकी बेसिक पे देखते हैं कितनी बन रही है। 88,600 रुपीज़ इनकी बेसिक पे बन रही है। डियरनेस अलाउंस इनका बन रहा है 20,179.28 रुपीज़। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस के इनके बन रहे 9,875.88 रुपीज़। फिक्स पर्सनल पे के इनके बन रहे 3,155 रुपीज़। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे करके एक टर्म उसके इनके बन रहे 4,100 रुपीज़। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनके बन रहे 850 रुपीज़। एरियर्स एडॉक भी इसके अंदर एक ऐड हुआ है, तो वो अभी क्योंकि एरियर मिला था कुछ टाइम पहले तो एडॉक के रूप में ऐड हुआ है 1,378.65 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस के इनको मिले 23,479 रुपीज़। और स्पेशल पे न्यू के इनको मिले 3,650 रुपीज़। तो ग्रॉस इनकी जो आ रही है वो आ रही है 1,55,267.81 रुपीज़। अब आप इसके इसमें से एरियर वगैरह डिडक्ट करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एरियर जो है वो हर सैलरी स्लिप में आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद डिडक्शंस के अंदर अगर अपन देखें तो एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन के 9,903 रुपीज़ मिले। फिर इनकम टैक्स डिडक्शन ड्यूरिंग मंथ मिला 20,749 रुपीज़ डिडक्ट हुए। उसके बाद हाउसिंग लोन प्रिंसिपल इनका जो है वो उसकी रिकवरी इनकी हुई है 2,500 रुपीज़। फिर एडिशनल हाउसिंग लोन प्रिंसिपल की रिकवरी 3,200 रुपीज़ की हुई है। कार लोन प्रिंसिपल रिकवरी की 19,000 हुई है। उसके बाद फेस्टिवल एडवांस के इनके रिकवर हुए 13,500 रुपीज़। यूनियन मेंबर ये हैं तो उसके 100 रुपीज़ डिडक्ट हुए। और बीएफ एम्प्लॉयज़ पीएफ एरियर्स करके एक नाम है उसके इनके 47 रुपीज़ डिडक्ट हुए। तो टोटल डिडक्शन इनका बन रहा है 68,999 रुपीज़। अगर हम इनकी नेट पे कैलकुलेट देखें तो जो ग्रॉस आई थी उसमें से डिडक्शन माइनस करें तो बन रही 86,269 रुपीज़। लेकिन ये एक्चुअल पिक्चर शो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे हाउसिंग लोन और जो व्हीकल लोन वगैरह के इनके डिडक्शन फेस्टिवल एडवांस के डिडक्शन शो हुए हैं। अगर ये सब अगर आप कोई इंसान नहीं लेता है तो टोटल इनकी जो नेट पे बनेगी अगर इन सबको हटा दें तो वो निकल के आएगी 1,24,469। ये इन हैंड नेट पे निकल के आएगी एसबीआई क्लर्क की जिन्होंने 1990 के अंदर बैंक ज्वाइन किया था। तो आफ्टर 34 ईयर आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप प्रमोशन नहीं लेते तो लगभग कितनी सैलरी उस टाइम पे लोगों की बन रही है जो अभी तक बैंक में जॉब कर रहे हैं। अगर आपको और कोई डाउट इससे रिलेटेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।